चलिए गाइस स्टार्ट कर लेते हैं ये अपना कल वाला जो क्वेश्चन था ओके okay, मैं फटाफट आई एम ट्राइंग टू गो थ्रू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड देन वी शैल बी कंटिन्यू फरद अ क्लब रन लाइब्रेरी फॉर इट्स मेंबर्स एज अ पार्ट ऑफ इट्स क्लब पॉलिसी एनुअल सब्सिडी ऑफ रूपीज फाइव पर मेंबर इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ द बुक्स मे बी गिवन फ्रॉम द जनरल फंड ऑफ द क्लब ओके द मैनेजमेंट ऑफ द क्लब हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग फिगर्स फॉर इट्स लाइब्रेरी डिपार्टमेंट चलो ठीक है आगे नंबर ऑफ़ क्लब मेंबर्स 5,000 शायद ये वाला डेटा आपने को काम में ना आए पूरे क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ लाइब्रेरी मेंबर्स ओके लाइब्रेरी फीस पर मंथ एवरेज नंबर ऑफ डेज ईच बुक इज रिटर्न लेट नंबर ऑफ ओल्ड बुक्स अवेलेबल कॉस्ट ऑफ द न्यू बुक्स नंबर ऑफ बुक्स परचेज पर ईयर कॉस्ट ऑफ है स्टाफ डिटेल्स नंबर वन uh, मतलब अपने पास एक ही लाइब्रेरियन है उसका सैलरी इतना पर मंथ है ये तीन है उसका सैलरी सेवन थाउजेंड है ये क्लर्क है उसका सैलरी जो है फोर थाउजेंड यू आर एक्वायर टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग लाइब्रेरी पर ईयर एक्सक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ द न्यू बुक्स द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द लाइब्रेरी पर ईयर एक्सक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ द न्यू बुक्स ओके Uh, ये एक साल का लाइब्रेरी का मेंटेनेंस का खर्चा कितना आएगा बस बुक्स का कॉस्ट मत इंक्लूड करना आगे जो न्यू बुक्स का कॉस्ट है आगे कॉस्ट इनकट पर मेंबर पर मंथ ऑन द लाइब्रेरी एक्सक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ द न्यू बुक्स एंड द नेट इनकम ऑफ द लाइब्रेरी पर ईयर ठीक है अब ये जो एक्सक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ द न्यू बुक्स है वो मैंने कल मेरे ख्याल से बोल दिया था वो हम लोग इसके अंदर भी कंटिन्यू ही करेंगे क्योंकि न्यू बुक्स के बारे में सारा का सारा चीज इधर लिखा हुआ है और सब्सिडी के बारे में भी वो इधर ही लिखा हुआ है ठीक है

तो यहाँ पे लाइब्रेरियन दस हजार रुपया पर मंथ इंटू एक लाइब्रेरियन है इंटू ट्वेल्व असिस्टेंट लाइब्रेरियन सेवन थाउजेंड है ऐसे तीन लोग हैं इंटू ट्वेल्व उसके बाद फोर थाउजेंड है इंटू वन इंटू ट्वेल्व कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ ओल्ड बुक्स दिस विल बी फिफ्टी थाउजेंड बुक्स इंटू हर बुक के लिए टेन रुपीज है मेरे ख्याल से बस ये वाला चीज कर लो एंड आई थिंक सब लोगों ने जिन लोगों ने ट्राई किया रहेगा उनका करेक्ट ही होगा बेटा प्रथम करेक्ट है वो ये वन लाख ट्वेंटी आता है ये ट्वेंटी वन थाउजेंड इंटू ट्वेल्व टू फिफ्टी टू आता है फोर्टी एट थाउजेंड आता है फाइव लैक्स आता है ये कितना आ जाता है बेटा नाइन लैख ट्वेंटी ट्वेंटी थाउजेंड ठीक है आगे अभी पार्ट टू के अंदर द कॉस्ट इनकर्ड पर मेंबर पर मंथ ऑन द लाइब्रेरी एक्सक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ द न्यू बुक्स तो पर मेंबर पर मंथ अपने कॉस्ट क्या पड़ता है तो पूरे साल का लाइब्रेरी का कॉस्ट नाइन लाख ट्वेंटी थाउजेंड है तो नाइन लाख ट्वेंटी थाउजेंड डिवाइडेड बाई ट्वेल्व तो अपना हर महीने का खर्चा इतना पड़ जाता है सेवनटी सिक्स थाउजेंड सिक्सटी सेवन एक, एक जीरोड बाई हाँ. था सेवेंटी सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन आ जाएगा आगे कैलकुलेशन ऑफ नेट इनकम तो उसके लिए कॉस्ट है ये नाइन लाख ट्वेंटी थाउजेंड ठीक है अभी फीस एक मेंबर से एक महीने के लिए अपना जो फीस आता है हजार सॉरी सौ रुपए का आता है तो यहां पे लिखना हंड्रेड ये तो एक मंथ का है इनटू टू ट्वेल्व कितने मेंबर्स है बेटा इन द लाइब्रेरी थाउजेंड तो इनर कॉलम में आ, इनर कॉलम में डाल देता हूं इफ इन केस नॉट रिटन तो यू ऑल कैन राइट इन द इनर कॉलम आउटर कॉलम में लिख दिया so okay. अच्छा फाइन एक दिन एक बुक लेट रिटर्न किया रुपी वन रुपी वन इन टू ऑन एन एवरेज हर बुक लेट रिटर्न होता है फाइव डेज के लिए हर एक मंथ कितनी बुक्स लेट रिटर्न हो रही हैं 500 तो ये हो गया एक महीने का फाइन का कलेक्शन पूरे साल के अंदर इंटू बारह करना पड़ेगा थर्टी थाउजेंड एक मिनट ट्वेल्व लाख थर्टी थाउजेंड या आ जाएगा थ्री लाख टेन थाउजेंड अच्छा अभी अपने को अगर आगे चलने का है ना मेरे को एक चीज का जरा आंसर देना इस प्रॉफिट के अंदर हम लोगों ने सब एक्सपेंसेस अभी तक इंक्लूड कर लिया सब कुछ लेस कर लिया एक बहुत बड़ा खर्चा अभी तक नहीं लेस किया मेरे को बोलो कौन सा न्यू बुक्स, बुक्स। न्यू बुक्स।, बुक्स का ठीक है याद रखना सब्सिडी जो है ना वो एक्सपेंस नहीं है वो इनकम है क्लब लाइब्रेरी को पैसा देता है तो लाइब्रेरी के लिए वो इनकम हो जाता है ठीक है क्लब के लिए एक्सपेंस वो अलग बात है लेकिन हम लोग सब कुछ लाइब्रेरी के एंगल से कर रहे हैं ट्राइंग टू डू एवरीथिंग ऑफ द लाइब्रेरी ठीक है? तो ये जो प्रॉफिट बच जाता है ना ऑब्वियसली इसके अंदर से इन लोगों को बुक्स का भी तो कॉस्ट मीट करने का है ठीक है वही चीज शायद आगे लिखा हुआ है ठीक है ध्यान से पढ़ना इफ द क्लब फॉलोज अ पॉलिसी दैट ऑल द न्यू बुक्स मस्ट बी परचेज आउट ऑफ लाइब्रेरी रेवेन्यू ऑनेटली ना यहाँ पे रेवेन्यू एक्चुअली मीन नेट रेवेन्यू यू कैनोट्राइ टू बी थिंक रेवेन्यू बोले तो ये रेवेन्यू होता है बट क्या होता है टेक्निकल सब्जेक्ट लाइक यू नो इट नॉट लाइक लॉ इट इज नॉट लाइक योर इनकम टैक्स विच यू हैव टू इंटरप्रेट एक्जैक्टली इन द सेम वे दीज आर बिजनेस वर्ड्स समटाइम्स कोई बिजनेस वर्ड्स कैन बी यूज इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्सो तो इन दिस पर्टिकुलर केस वेनेवर दे नाउ क्या है ये वाला पार्ट ना ये तीन के बाद आया यहां पर इन लोगों ने अपनी को क्या बोला था कि ना नेट इनकम निकाल दिया नेट इनकम बोले तो प्रॉफिट हुएगा नेट करके तो ऑब्वियसली इसके अंदर से इनको बुक्स का कॉस्ट मीट करना अभी तक बाकी है तो यहां पर देखो उन लोगों ने क्या लिख दिया ट आर द मैक्स नंबर ऑफ बुक्स दैट कैन बी परचेज पर ईयर आई थिंक वो चीज अभी बहुत सिंपल है अपने पास कितने का प्रॉफिट है अभी तक थ्री लाख टेन ओके मेरे को जरा बोलो हर एक न्यू बुक का कॉस्ट कितने का है बेटा थ्री हंड्रेड तो डिवाइड करके वो देख लेना यू ऑल राइट डाउन अभी हाँ ये हो जाएगा पार्ट ए मैं यहाँ पे पार्ट ए कर देता हूं लिखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स दैट कैन बी परचेस्ड इन वन ईयर फ्रॉम रेवेन्यू रेवेन्यू के ब्रैकेट में हम राइटिंग नेट इनकम इज इक्वल टू थ्री लैख टेन थाउजेंड डिवाइडेड बाय थ्री हंड्रेड अभी मैं इसको वन जीरो थ्री थ्री ही कर देता हूं मेरे को ना बुक्स को डेसिमल्स के अंदर वो नहीं डालना दैट्स फाइन ठीक है चलो सुनो आप लोग पार्ट बी पढ़ो और मेरे को फटाक से आंसर बता ही देना स 167. 167. हम लोग साल का कितना बुक्स खरीदता है बेटा बारह सो अपने पास जो पैसा पड़ा हुआ है ओके दैट इज ओनली गोन टू बी हेल्पिंग परचेज ऑफ वन जीरो थ्री थ्री तो हम लोग एक्स्ट्रा बुक्स यहाँ पे कितना खरीद रहे हैं तो यहाँ पे लिखिए एक्स्ट्रा बुक्स परचेज इज इक्वल टू मैं बस इसी क्वेश्चन के इंतजार के अंदर था लेकिन जरा सोचो ना तुम लोग तुम लोग के पास जो पैसा बचता है ना 1033 बुक्स के लिए ही बचता है लेकिन तुम लोग तो 1200 बुक्स खरीदते हो तो इन दिस पर्टिकुलर केस तुम लोग एक्स्ट्रा बुक्स कितना खरीदते हो 167 ये 167 बुक्स खरीदने के लिए पैसा किधर से आएगा बेटा को बोलो ये कहां से आएगा तो सब्सिडी से तो जो लाइब्रेरी है क्लब को बोलेगा कि हमको सब्सिडी दो ठीक है यहाँ पर ने वो लिखा है, और तो ऑनेस्टली इफ यू लॉक यूर सेल्फ इन अ रूम नो एंडल स्टार्ट टू बी थिंकिंग ये कमेंट्स खुद ब खुद तुम लोग को आई जाएंगे देखो 167 बुक्स खरीदने के लिए मेरे को जरा बोलो 167 बुक्स खरीदने के लिए अपने को और कितना पैसा मांगता है इंटू थ्री हंड्रेड तो मैं कर लेता हूँ चलो थ्री हंड्रेड इंटू वन सिक्सटी सेवन याद वान है फिफ्टी थाउजेंड वन हंड्रेड ठीक है अभी अपने पास इतना पैसा तो नहीं है तो लाइब्रेरी जो है क्लब को बोलेगा कि भाई आप हमको सब्सिडी दो फर्स्ट लाइन पे लिखा हुआ था कि क्लब गिव्स अ सब्सिडी ऑफ रुपीज फाइव पर मेंबर ठीक है तो एक मिनट पहले मेरे को जरा बोलो यहां पर अपने पास कितने लाइब्रेरी मेंबर्स हैं ना तो जरा सोचो फिफ्टी थाउजेंड वन हंड्रेड का अपना शॉर्टफॉल है फिफ्टी था वन हंड्रेड डिवाइडेड बाई 1000 दिस पर्टिकुलर फिगर विल बी फिफ्टी पॉइंट वन दिस पर्टिकुलर फिगर इज गोइंग गिफ्टी पॉइंट वन तो ये जो फिफ्टी पॉइंट वन है ना टेक्निकली क्लब को लाइब्रेरी को इतना सब्सिडी देना चाहिए पर मेंबर ताकि कैन यू ऑल कंटिन्यू फर्दर ताकि वो जो वन सिक्सटी सेवन बुक्स अपने को एक्स्ट्रा चाहिए वो हम लोग खरीद सकें लेकिन अपना जो क्लब है ना बहुत चिंगूस है वो कितने का सब्सिडी देता है फाइव रुपीज पर मेंबर सो so, लाइब्रेरी को जो सब्सिडी कम मिलता है ना दैट इज 45.1 पर मेंबर उनको क्लब को बोलना चाहिए कि भाई इन दिस केस आप हमको 45.1 का सब्सिडी और दो अपार्ट फ्रॉम फाइव रुपीज ठीक है अगर ऐसे के अंदर उन लोगों ने तुमको और भी पूछा होता ना कि कमेंट्स वगैरह करो ये वो वगैरह ओके तो दैट टाइम यू कुड हैव डन मेनी कमेंट्स दैट वी आर फॉलोइंग शॉर्ट वन वे कुड बी टू टेल टू द क्लाब दैट गिव एक्स्ट्रा सब्सिडी ऑफ दिस मच आई वुड बी राइटिंग दैट ओनली ठीक है लेकिन अगर मेरे को और सपोज बहुत ज्यादा बहुत सारे कमेंट्स वगैरह लिखने का वो होगा ना आई कैन ट्राई टू टेल यू मेनी आइडियाज ओके सम पीपल गिव ऑल फालतू आइडिया सर आप क्या करो यहां से ना आप असिस्टेंट लाइब्रेरियन लोगों को आप निकाल डालो सर उनका पगार वगैरह वो काम का डालो सर ओके ऐसा फालतू आइडियाज नहीं बोलने का दैट एवरीबडी नोस ओके लेकिन मेरे को वो अगर मैंने कभी वो किया तो मेरे को बोलो दैट इज अ फालतू सजेशन बाई हु इज गु बी डूइंग दट पर्टिकुलर वर्क ओके दट तो यू कैन ट्राई टू बी सेइंग डोंट में ओल्ड बुक्स रिमूव द क्लर्क रिमूव द लाइब्रेरियन ओके सारे खर्चे जीरो वो ऐसे थोड़ी होता है खर्चे बगैर के तो बिजनेस वो थोड़ी चलता है यार व्हाट अल्टरनेट्स आई कुड है तो आई वो डू बी गिविंग यू ऑल इन राइटिंग की द लाइब्रेरी शुड आज द क्लब दैट गिवर्टी फाइव पॉइंट वन का सब्सिडी मोर ठीक है दैट इज ओनली वॉट एवर यू आई गुंड बी राइटिंग लेकिन अगर मेरे पास ऑप्शन होता ना कि मैं और कमेंट्स वगैरह करूं तो शायद मैं ऐसे भी कर देता क्लब कैन थिंक ऑफ इंक्रीजिंग द फीस पर लाइब्रेरी पर मेंबर ओके दे कैन ट्राई टू बी थिंकिंग अभी सौ रुपया है अब देख लो यार दैट व्हाट लेवल विल ट्राई टू सस्टेन टू यू ओके दैर इज वन थिंग या फिर एक और काम भी कर सकते हो दैट कंपनी कैन थिंक मतलब द लाइब्रेरी कैन थिंक ऑफ इंक्रीजिंग द फाइन दैट इज एयर ओके तो These are the other options, क्योंकि उससे अपना रेवेन्यू बढ़ जाएगा तो अपना नेट इनकम भी बढ़ी जाएगा अपने ही बढ़ सकता है, case, one, तो पास एक ही है कि क्लब के पास जाओ और उनको बोलो आप हमको सब्सिडी जो है वो ज्यादा दीजिए ठीक है तो दैर इज वॉट वी गुंडिंग एज सच राइट ऑन पार्ट सी और लिखो सर आप

क्लब का एक पॉलिसी है कि वो लोग फाइव रुपीज पर मेंबर का सब्सिडी वो देते हैं ठीक है अभी सब्सिडी मतलब क्लब के पास जो एक्स्ट्रा पैसा बचता है वो लोग उससे लाइब्रेरी को चला रहे हैं ठीक है अभी जब वो लोग पैसा डिस्बर्स कर रहे हैं मतलब क्लब लाइब्रेरी को पैसा दे रहा है इट इज गिविंग रुपीज फाइव पर मेंबर आई डोंट नो इट इज फाइव पर लाइब्रेरी मेंबर और इट इज फाइव पर क्लब मेंबर मैंने एक चीज कल से कंसिस्टेंट रख के मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं एंड दैट पर्टिकुलर थिंग इज इट इज रुपीज फाइव पर लाइब्रेरी मेंबर जब ही क्लब सब्सिडी देता है फाइव पर लाइब्रेरी मेंबर के हिसाब से वो देता है ओके okay? एंड टोटल नंबर ऑफ में सिक्स थाउजेंड तो किसी भी हिसाब से नहीं है क्योंकि ये जो हजार लाइब्रेरी मेंबर्स है ये मेरे ख्याल से क्लब मेंबर्स भी होंगे और हम लोग क्लब मेंबर से पैसा लेके लाइब्रेरी के लिए वो नहीं कर रहे हैं ओके वाई विल द क्लब मेंबर्स पे फॉर समथिंग जो क्लब मेंबर्स है दे मई बी पेंग फॉर द अदर थिंग्स नो ओके तो इसलिए वो वाला चीज मैं नहीं आर्ग्यू कर रहा हूँ आई एम ओनली ट्राइंग टू बी सी एवर दे आर सींग वर्ड मेंबर इन दिस पर्टिकुलर केस आई विल बी सेट एवरी थिंग इज पर लाइब्रेरी मेंबर अगर आपको हर चीज क्लब मेंबर के हिसाब से तो वो करने का है तो मेरे को एक मिनट का टाइम वो देना ओके एंड आई ट्राई टू टेल यू दैट पर्टिकुलर थिंग तो फिर यहाँ पे फाइव थाउजेंड आ जाएगा अगर वैसा करना है तो सेवेंटी सिक्स सिक्स सिक्सटी सेवन डिवाइडेड बाई फाइव थाउजेंड तो ये आ जाएगा फिफ्टीन पॉइंट थ्री थ्री ओके वंस दिस पर्टिकुलर थिंग विल बी कमिंग फिर ये जो थ्री लाख टेन थाउजेंड रुपीज़ आया ये तो मेरे ख्याल से वो उतना ही रहेगा थ्री लाख टेन थाउजेंड डिवाइडेड बाय ये वाला चीज़ भी वो वही रहेगा यहाँ पर भी वन सिक्सटी सेवन ही रहेगा वन सिक्सटी सेवन इंटू थ्री हंड्रेड ये भी फिफ्टी थाउजेंड वन हंड्रेड रहेगा फिर आप उसको डिवाइडेड बाई फाइव थाउजेंड अगर वो कर दोगे तो फिफ्टी थाउजेंड वन हंड्रेड डिवाइडेड बाई फाइव थाउजेंड दिस विल बी कमिंग टू टेन पॉइंट जीरो टू तो नाउ वी कैन ट्राई टू बी कमेंटिंग दैट पर्टिकुलर थिंग कि अपने को 10.02 का सब्सिडी जो है वो चाहिए अपने को कितने का सब्सिडी मिल रहा है देन इन दैट दैट केस एक्स्ट्रा सब्सिडी वी विल रिक्वायर इज 5.02 ठीक है तो यहां आप हर चीज पर लाइब्रेरी मेंबर के हिसाब से करो या आप हर चीज पर क्लब मेंबर आप सजेशन के अंदर ये वाला चीज नहीं दे सकते कि अभी आप पर क्लब मेंबर करो दैट इज नॉट द सजेशन वो जो डिसबर्समेंट होता होगा वो सब्सिडी का वो कोई एक पॉलिसी के हिसाब से होता होगा आई होप जिसने क्वेश्चन पूछा था मैंने उसको आंसर किया ठीक है ओके okay, तो यू ऑल राइट आई डॉम्पलीस लिखो पार्ट सी लिखो कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा बुक्स 167 सिक्सटी सेवन इंटू थ्री Fifty thousand one hundred Cost of extra books fifty thousand one hundred. यहां यू ऑल राइट ऑन कॉस्ट ऑफ बुक्स या एक्स्ट्रा बुक्स पर लाइब्रेरी मेंबर फिफ्टी थाउजेंड वन हंड्रेड डिवाइडेड बाय वन थाउजेंड इज इक्वल टू फिफ्टी पॉइंट वन राइट ऑन Library should get fifty point one as subsidy from a General Funds of the Club. from general funds of the club currently club gives a subsidy of rupees 5 per member therefore there is a shortfall ऑफ रुपीस फोर्टी फाइव पॉइंट वन पर मेंबर एंड के अंदर बस एक नोट लिख के रखना देखो फॉर सॉल्विंग the entire problem it has been assumed that member means लाइब्रेरी मेंबर सर जो इसका थर्ड वाला पॉइंट था जब अपन नेट इनकम कैलकुलेट कर रहे थे ये को पता कैसे चलेगा कि अपने को सेम सब्सिडी की इनकम ऐड नहीं करनी है नहीं करनी है तो दैट्स वर आई टोल बिकॉज यू हैव टू गो एज पर द दंटेक्सट ऑफ द क्वेश्चन उन लोगों ने ना सब्सिडी के बारे में यहाँ पर नीचे अलग से बात किया हुआ है इधर 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 तो दैट इट सेल्फ मीन्स दैट वेन यू आर ओवर हियर नो यू डू नॉट टॉक ऑफ दैट क्योंकि उसके बारे में इधर अलग से पूछा हुआ है दैट इज योर ओनली हिंट रेस देर इज नो हिंट इन द क्वेश्चन सेम वे एज अ टोल्ड कि यहाँ पर आपको कॉस्ट ऑफ द न्यू बुक्स इंक्लूड नहीं करना है वो कैसे पता चला क्योंकि न्यू बुक्स के बारे में उन लोगों ने यहाँ पर अपने को अलग से ये तीन पार्ट के अंदर वो पूछा हुआ है ओके सो दफ यूल रीड दिस पर्टिकुलर सेंटेंस ना मोर ऑल एस दो थिंग्स गेट क्लियर ओके क्लब फॉलोज अ पॉलिसी दैट ऑल द न्यू बुक्स मोजबी परचेज आउट ऑफ द लाइब्रेरी का नेट इनकम तो क्या हो जाता है, net profit निकालने के बाद, क्लब जो है सोचता है कि अभी new books हैं। तो इसलिए बात नहीं किया एंड सेम वे इफ यू ट्राई टू सी हाउ द क्वेश्चन ट्रेवल्स जो सब्सिडी के बारे में बात है उन लोगों ने एंड के अंदर पूछा इसलिए मैंने उसके बारे में यहां पर बात नहीं किया दैट विल बी दिंटरेज नो अदर ठीक है चलो सुनो Now this question is done. अभी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी अभी थिएटर्स के ऊपर ना और होटल्स के ऊपर मेरे को एक ही करने का था मैंने थिएटर्स के ऊपर एक ही क्वेश्चन रखा हुआ है फॉर अभी यह वाला क्वेश्चन यू आर गोइंग टू बी डूइंग टू वट एवर आई विल बी सीन ठीक है डेटा रिलेवस टू पी वी आर थिएटर मिनी थिएटर For the year ending, 31st of March. Okay. एक मैनेजर का सैलरी उसको फिक्स पकड़ लेंगे वैसे आईसीटिकुलर uh, क्वेश्चन ना उन लोगों ने फिक्स और वेरिएबल को सेग्रीगेट ही नहीं किया था वी ऑल कैन बी 10 कीपर्स का सैलरी वो सैलरी है ना तो फिक्स ही हो गया टू ऑपरेटर सैलरी वो फिक्सड ही है ना वो सैलरी है फोर क्लर्क का सैलरी वो फिक्सड ही हो जाएगा यार एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसिस वो फिक्सड ही होता है miscellaneous expenses अपने को जिंदगी में नहीं पता चलेगा दीज आर फिक्स्ड या वेरिएबल तो एक चीज बोल दो आई विल अज्यूम दैट ओनली कुछ भी बोल दो कुछ भी बोल दो फिक्स चलो ठीक है आगे उसके बाद जो एडवर्टाइजमेंट है मेरे ख्याल से अभी यार अगर सपोज आप किधर होर्डिंग्स वगैरह लगाते हो ओके दैट टाइम एडवर्टाइजमेंट विल बिकम फिक्स्ड कॉस्ट दैट इज वन एग्जांपल ओके लेकिन सपोज लाइक यू नो एडवर्टाइजमेंट कुड आल्सो बी जो कस्टमर्स थिएटर के अंदर आते हैं उनको हम लोग कुछ ना कुछ सपोज फ्री गिफ्ट वगैरह वो देते हैं जो इंस्टीट्यूट है उसने तो क्लासिफाई भी नहीं किया तो तुमको नहीं करने का है तो मत करना लेकिन अगर करने का है एडवर्टाइजमेंट को तो क्या बोलते हो फिक्स मॉल फिक्स बोल दो चलो ठीक है फिक्सड ओके आगे इलेक्ट्रिसिटी इन ऑयल इट कैन बी अ वेरिएबल कॉस्ट अभी ऑयल का मतलब मेरे को नहीं मालूम इन द थिएटर्स ओके बट इलेक्ट्रिसिटी मोर नंबर ऑफ शोज इट कुड बी सी द मोर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट इट कुड बी ऑल द कोई आर्ग्यू कर सकता है सर की थियेटर के अंदर जितने भी लोग बैठे हों ओके इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट तो शायद वो सेम ही रहेगा तो इन दैट कंटेक्स इट कैन बी फिक्स ऑल्सो नाउ आई टेक इट एज अ वेरिएबल कॉस्ट ओके हायर ऑफ प्रिंट शुड बी अ वेरिएबल कॉस्ट अभी पहले के टाइम्स के अंदर क्या होता था अभी तो एवरी थिंग इज नाउ इन अ डिजिटल मैनर ओके लेकिन क्या होता था वो जो रील होती थी ना जो थिएटर के अंदर वो चलती थी ओके दैट टाइम उसका एक सर्टन लाइफ होता था अगर आपको ज्यादा शोज चलाने तो आपको रील्स और खरीदनी पड़ती थी तो मोर शोज विल मीन मोर कॉस्ट ओके तो आई एम टेकिंग दैट थिंग एज अ वेरिएबल कॉस्ट ठीक है जो कार्बन है वो भी वेरिएबल कॉस्ट है क्योंकि वो जो रील वो चलती रहती थी ना ओके okay, उससे कुछ ना कुछ उसको वो चलाने के लिए तो कार्बन वगैरह की जरूरत पड़ती थी ब्लैक कलर का एक पाउडर वगैरह होता है ठीक है तो इफ यूल रन द थिएटर फॉर लॉन्गर टाइम सो मोर अमाउंट ऑफ मनी इज रिक्वायर्ड फॉर दैट ठीक है आगे प्रिमाइसिस आर वैल्यूड एट सिक्स लैक्स ओके एन एस्टिमेटेड लाइफ इज फिफ्टीन ईयर आई एम डन विद दैट ठीक है तो मेरे ख्याल से ये तुम लोगों को क्यों काम में आ जाएगा बोलो डेप्रीसिएशन दैट विल बी फिक्स कॉस्ट क्योंकि लाइफ इज गिवन इन टर्म्स ऑफ ईयर प्रोजेक्टर एंड अदर इक्विपमेंट कॉस्ट थ्री लैक ट्वेंटी ऑन विच टेन परसेंट डेप्रीसिएशन टू बी चार्ज अभी रेट ऑफ डेप्रीसिएशन दिया हुआ है तो फिक्स चाहिए हो जाएगा ठीक है अच्छा सुनो ऑनेस्टली ना अभी तक तुम लोगों ने जो भी किया किधर भी कैलकुलेशन की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ने वाली एक्सेप्ट इफ यू एवर से लेट्स मेक इट फॉर अ इयर तो दैट टाइम प्लीज इन्श्योर दैट एवरी इज फॉर वन ईयर और कुछ नहीं है ठीक है ये वाला भी जो डेटा ये सिंपल ही है Daily three shows are run throughout the theater. Throughout the year, sorry. The total capacity is 625 seats, which are divided into three classes as follows. Janta Circle 250 seat, Sanman Circle, 250 seats, Lord Circle 125 seats. Hai. Assuming that 20% of the seats remain vacant, weightage given to each class is in the ratio of 1 is to 2. Is line ka matlap kiya oi? Weightage given. By दिस इज रेट पर मैन शो तो इज दिस दिस इज रेट पर मैन शो मतलब प्राइस ऑफ द टिकट पर मैन शो अगर जनता सर्कल के लिए एक्स चार्ज करेंगे सम्मान सर्कल के लिए कितना चार्ज करेंगे टू एक्स और लॉर्ड सर्कल के लिए कितना चार्ज करेंगे थ्री एक्स दीज आर द वेटेजेस जैसे अप जैसे हमारे नॉर्मल थिएटर के ना एक बालकनी सीट होती है वगैरह ओके okay. तो जैसे लाइक यू नो अपना जो होटल वाला क्वेश्चन था वहां पे भी एक्स टू एक्स एंड थ्री एक्स था बेस्ड अपॉन द टाइप ऑफ द होटल बेस्ड अपॉन द टाइप ऑफ द सीट्स इन दिस केस इट इट विल बी वन इज टू इज टू थ्री डिटर्मिन द कॉस्ट पर मैन शो एंड द रेट्स फॉर ईच क्लास इफ मैनेजमेंट एक्सपेक्ट थर्टी परसेंट रिटर्न ऑन ग्रॉस प्रोसीड्स इग्नोर एंटरटेनमेंट टैक्सेस चलो ठीक है सुनो क्वेश्चन है सबसे पहले थिएटर्स के ऊपर है मेरे को बोलो फॉर थियेटर्स व्हाट इज योर बाइट डिफॉल्टूनिट मैन शो मैन शो तो हम लोग ना वो वाला चीज पहले कंप्यूट कर लेते हैं ताकि तुम लोग उसके अंदर कुछ गलती ना करो एंड देन वी ऑल विल स्टार्ट जैसे फॉर होटल्स यू शुड कंप्यूट फॉर होटल यू शुड कंप्यूट रूम डेज फॉर हॉस्पिटल यू शुड कंप्यूट बेड डेज फॉर थिएटर्स वी ऑल कैन कंप्यूट मैन शोज तो लिखिए कैलकुलेशन ऑफ मैन शोज तुम लोग को जब मैं ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट वो बोलेगा ना मैं बोलेगा एक साल के लिए बनाओ तो मैन शोज भी मेरे को एक साल के लिए चाहिए जनता सर्कल सम्मान सर्कल अब ऐसा फालतू नाम वो किधर रहता है लॉर्ड सर्कल अच्छा सुनो ये मेरे साथ ही करना आई एम राइटिंग नंबर ऑफ सीट्स 250 250 125 अच्छा लेकिन मैन शोज तभी काउंट होंगे जब भी लोग होएंगे उधर तो मेरे को जरा बोलो ऑक्यूपेंसी कितना है बेटा एटी परसेंट क्योंकि 20 परसेंट इज वीकेंड ना तो एक बारी में एक शो के अंदर इतने लोग आते हैं अभी तुम लोग मेरे को डायरेक्टली बोल देना मेरे को दो और चीजों से मल्टीप्लाई करने का है टू अराइव एट द फाइनल आंसर तुम्हारे हिसाब से कौन सी दो चीजें दिन का तीन सौ साल का तीन सौ पैंसठ दिन ओके ये कर लो आंसर लेकर आ जाओ चलो सुनो गिव द टाइटल ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट फॉर वन इयर अच्छा सुनो 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 देखो 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 जो भी फिक्स्ड कॉस्ट होंगे वो तुम लोग लिख लेना ठीक है आराम से मेरे को कोई जल्दी नहीं है जो भी वेरिएबल कॉस्ट होंगे लिख लेना बेटा एक साल के लिए काम करना और एक गलती मत करना तुम्हारे पास टेन गेटकीपर्स हैं दो ऑपरेटर्स का सैलरी है सो जस्ट बी केयरफुल टू मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ पीपल ठीक है सुनो 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 एक बार ये तुम्हारे कॉस्ट आ जाएंगे ना बराबर से सुनो मैं क्या बोलता हूं तो दिस विल बी टोटल कॉस्ट ठीक है वन प्लस टू ठीक पार्ट फर्स्ट ऑफ द क्वेश्चन पढ़ते हैं देखो डिटरमिन द कॉस्ट पर मैन शो एक मिनट कॉस्ट तक पहुंच गए ये वाला चीज हो गया कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मैन शोज नंबर ऑफ मैन शोज आप लोगों ने निकाला फाइव फोर्टी सेवन फाइव हंड्रेड डिवाइड करके दिस विल बी कॉस्ट पर मैन शो ये तुम्हारा एक पार्ट पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा ठीक दिस विल बी योर वन आंसर अभी उसके बाद उन लोगों ने क्या बोला है कि ना कैलकुलेट द रेट्स फॉर ईच क्लास ठीक है रेट्स मतलब हाउ मच वी आर गुन बी चार्जिंग फॉर द टिकट ओके तो उसके लिए सबसे पहले मेरे को सोचना पड़ेगा सर प्रॉफिट मार्जिन भी तो चार्ज वो करना पड़ेगा सो कैलकुलेशन ऑफ रेवेन्यू कैलकुलेशन ऑफ रेवेन्यू पर मैं ये वाला जो नंबर आया था ना इधर कॉपी करेगा टोटल कॉस्ट ठीक है वन प्लस टू जो था वो इधर आ जाएगा ठीक है उसके बाद यहां पर क्या लिखा हुआ है ध्यान से सुनो जरा प्लीज अपने को देखो प्रॉफिट कितने का चाहिए थर्टी परसेंट रिटर्न ऑन ग्रॉस प्रोसीड यहां पे मैं लिख रहा हूं प्रॉफिट नाउ एड प्रॉफिट आई एम यूजिंग द सेम टर्म्स जो बुक के अंदर है, ताकि तुम लोग को कोई दिक्कत ना हो ठीक है ग्रॉस प्रोसीड मिल जाएगा तो ये जो है दिस इज थर्टी परसेंट ऑफ दिस तो ये वाला फिगर कितना आ जाएगा सेवेंटी और मैंने इनफ क्वेश्चन पूछे हुए हैं दैट मी अ राइट फॉर मी टू बी आस्किंग यू ऑल देखो इसके बाद यू विल बी डिफाइनिंग एक्स क्या है टू एक्स क्या है थ्री एक्स क्या है सो लेट द चार्जेज पर मैन शो फॉर जनता सर्कल बी एक्स सन्मान सर्कल बी टू एक्स उसके बाद लॉर्ड सर्कल बी थ्री एक्स बस मेरे को एक चीज बोल देना लास्ट के अंदर अपना पोपट मत करो मेरे को बोलो इक्वेशन ऐसा बनेगा एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स इज इक्वल टू तो ये वाला फिगर तो 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 नहीं तो, तो, तो मेरे को बोलो मेरे को सिर्फ मेरे को सिर्फ स्टार्ट बोल दो वो इक्वेशन का मेरे को बोलो टू लैख नाइनटीन थाउजेंड एक्स प्लस टू लैख नाइनटीन थाउजेंड इंटू टू एक्स प्लस वन जीरो नाइन फाइव हंड्रेड इंटू थ्री एक्स दिस विल बी इक्वल टू योर रेवेन्यू जो अपने को पूरे साल के लिए चाहिए एक बार ये वाला काम हो जाएगा सॉल्व करके ये तीन आंसर ले आना ठीक है अभी मेरे को इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है वी ऑल हैव डिस्कस दिस पर्टिकुलर थिंग आप लोग टाइटल दे दो ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट फॉर वन ईयर ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट फॉर वन ईयर ठीक है आई एम शोइंग यू ऑल द क्वेश्चन इन एंड वी विल राइट ऑन द अजम्पन्स टूगेदर ओनलीट वॉट वी ऑल हैव्यूम डिक्स वॉट वी ऑल हैसेट्रा एसेट्रा ठीक है आप लोग स्टार्ट कर सकते हो प्लीज हर चीज़ एक साल के लिए करना गलत मत करना विदुषी वो करेक्ट है बेटा आप ये देख लो देन आई टर्न टर्न बैक आई टर्न बैक नाउ ये खत्म कर लो अभी सब लोग पॉइंट फाइव आ जाएगा एक्स का आंसर महेश एक्स का आंसर बेटा एग्जैक्टली जीरो पॉइंट फाइव आता है 63 है हाँ बेटा यहाँ पे लिखा है देख 0.63 और तुम्हारा x 2x और 3x का आंसर 0.51 और 1.5 आ जाएगा

चलो सुनो क्वेश्चन नंबर थर्टी स्टार्ट करते हैं ये टोल्स के ऊपर है ओके अभी विल स्टार्ट अवे विद दिस फिर उसके बाद कुछ और बोलता हूं ठीक है सुनो हाँ हाँ सुनो तो जाओ जरा पीछे यहां पे यू ऑल राइट डाउन नोट्स एंड राइट डाउन फर्स्ट यू ऑल राइट डाउन मिसिलेनियस एक्सपेंसेस एंड एडवर्टाइजमेंट हैव बीन miscellaneous expenses and advertisements have been assumed to be have been assumed to be fixed costs full stop alternately alternately they can be assumed to be variable costs चलो सुनो यो दिस पर्टिकुलर वर्क इज डन अभी इसके बाद जो है वो आगे चल पड़ते हैं ये वाला क्वेश्चन टोल्स फिक्सेशन का है अभी टोल्स के अंदर ना नाउ नूजअली uh, ये वाला सिस्टम वो होता है यू विल बी नोइंग अबाउट दिस आल्सो अभी टोल्स आर कलेक्टेड फॉर द टोल्स फॉर द रोड्स विच आर देयर ओके अभी सपोज लाइक यू नो एक नया एक्सप्रेस वे बन रहा है आई थिंक यू ऑल विल बी नोइंग दैट ऑल्सो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट एक्सप्रेस वे इज अबाउट टू बी कंस्ट्रक्टेड बिटवीन डस अम्बडी नो तो मुंबई एंड दिल्ली ओके दे आर कंस्ट्रक्टिंग द लार्जेस्ट एक्सप्रेस वे कुछ 1300 किलोमीटर के आसपास का कुछ वो होने वाला है उन लोगों ने बोला है 2023 तक ट्वेंटी थ्री विल बी कंप्लीटिंग लेकिन ऐसा तो उन लोगों ने बहुत बार बोला हुआ है लेकिन चलो ठीक है वे नॉट गोइंग इन टू दैट अभी तो यूजअली टोल्स के अंदर जो सिस्टम होता है वो क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होता है ना वो कोई प्राइवेट प्लेयर्स को बुलाते हैं और उनको बोलते हैं कि आप इस एरिया से इस एरिया के बीच में आप रोड बनाओगे और आप उसको मेंटेन करोगे ठीक है एंड दे विल बी एबल टू कलेक्ट दे मतलब दो प्राइवेट प्लेयर्स विल बी एबल टू कलेक्ट द टोल्स फ्रॉम द टू व्हीलर्स या फोर व्हीलर्स या ट्रक्स वगैरह ओके और क्या होता है ऐसे सब कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर सर्टन ड्यूरेशन सपोज दैट ड्यूरेशन इज से टेन ईयर्स ओके जब टेन ईयर्स निकल जाता है द ओनरशिप ऑफ दीज रोड गोज बैक टू द गवर्नमेंट ओके दिस इज जनरल अरेंजमेंट जो टोल्स के अंदर होता है यू ऑल अंडरस्टूड दिस ओके इन इन मोस्ट ऑफ द केसेस इन इंडिया इट लाइक दिस ताकि द गवर्नमेंट इज नॉट इनकरिंग ह्यूज कॉस्ट और क्या होता है कि वेन द प्राइवेट प्लेयर्स विल मेक द रूल्स नो दे मेक इट स्लाइटली बेटर ओके एज कंपेयर टू द गवर्नमेंट वुड हैव मेड इट ओके एंड देन कोई भी ये वाला काम तो गवर्नमेंट के लिए फ्री का नहीं करेगा सो गवर्मेंट गिव्स एम अ लाइसेंस एट फॉर अ पीरियड ऑफ टेन ईयर्स यू कैन बी कलेक्टिंग द टोल्स एज सच ओके चलिए A bi ACHI the company upar We all have this particular kind of a question. BHG Toll Plaza built a 60 kilometers long highway and now operates a toll plaza to collect tolls from passing vehicles using the same. The company has invited, sorry, has invested 600 crores to build the road and has estimated that. A total of 60 crore vehicles will be using the highway during the 10 year toll collection tenure. Chalo, theek hai. Toll operating and maintenance cost for the month of April 2023 are as follows. For the month salary to collection personnel, 3 shifts and 4 people per shift, 150 per person per day. Chalo, theek hai. Supervisor 2 shifts and 1 person per shift. टू फिफ्टी पर डे पर पर्सन ठीक है सिक्योरिटी पर्सनल थ्री शिफ्ट एंड टू परिफ्टी पर शिफ्ट, पर पर डे पर्सन टोल बूथ मैनेजर टू शिफ्ट शिप फोर हंड्रेड पर डे कॉस्ट एंड टेलीफोन कॉस्ट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट मद ऑफ द मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ द तो और क्या ठीक है टोटल कॉस्ट टू कवर अपर इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट रिक्वायर्ड कैलकुलेट द कॉस्ट पर किलोमीटर ओके कैलकुलेट द टोल रेट पर वहीकलिंग वहीकल इससे अपना काम थोड़ा सा वो ईजी हो गया कि कैलकुलेट दोल रेट पर वहीकल आई थिंक इन रियल लाइफ टू व्हीलर्स का अलग रेट होता है फोर व्हीलर्स का अलग होता है ओके okay. फिर ट्रक्स वगैरह जो कमर्शियल वहीकल्स होते हैं वो उसका अलग होता है लेकिन यहाँ पे चलो वो सब कुछ कोई पंगा नहीं है सुनो तुम्हारी ना थियरी के अंदर ना मैंने कुछ और लिखा हुआ है फॉर टोल कंपनीज ऑल्सो ओके फॉर टोल कंपनीज ना इंस्टीट्यूट ने ऐसा एक नोट दिया है कि जब आप कॉस्ट अक्यूमुलेट करते हो ना आप लोग कॉस्ट ऐसे अक्यूमलेट करना तुम लोग जो भी स्क्रीन पर है अभी वो पढ़ो मैं एक मिनट के बाद पढ़ूंगा वेन यूल अंडरस्टूड योर सेल्फ देन यू रीड वंस योर सेल्स तुम लोग को समझ में तो वो आई जाएगा ये पढ़ो एक बार जरा प्लीज ये तीन पॉइंट पढ़ो सब लोग वी वॉन्ट टू क्लासीफाई ऑल द एक्सपेंसिस अंडर दिस का चलो सुनो आई थिंक कैपिटल कॉस्ट यू हैव अंडरस्टूड आर वन टाइम कॉस्ट दैट आई इनकर्ड जो आप लोग रोड वो खरीदोगे सपोज रोड के ऊपर कई घर वगैरह थे तो उन लोगों को पैसा दिया कि भाई यहां पे अभी एक रोड uh, आएगी तो खाली करो देन दे डिमोलिश द हाउसेज एंड मेक द रोड ओवर तो दीज आर ऑल कैपिटल कॉस्ट ओवर कॉस्ट विल कंसिस्ट ऑफ कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड जनरली दिस सॉर्ट ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट रन अक्रॉस मल्टीपल फाइनेंशियल इन The total expenditure to be incurred during the construction period is termed as capital cost. The total cost includes cost of the construction of road and other structures and consultation. Uh

तो एज इनकर्ड इन द कोर्स ऑफ एक्चुअल कंस्ट्रक्शन उसके बाद इंटरेस्ट ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड जो जो भी तुम्हारे खर्चे हैं ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड ऑफ द रोड वगैरह सब यहां पे इंक्लूड कर लो उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस

मैं इसको वन बोल देता हूं इसको टू बोल देता हूं इसको थ्री बोल देता हूं नाउ एक बार आई एम वो बी रीडिंग द क्वेश्चन वंस मोर एंड लेट्स स्टार्ट टू बी क्लासिफाइंग ऑल द कॉस्ट एंड थ्री ओके दैट बी बेटर तो यहां पर तो देखो क्या क्या खर्चे हैं फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर तो पहले मेरे को बोलो कोई खर्चा है क्या फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर कोई खर्चा है वो कैपिटल कॉस्ट है ना ओके तो यहां पर एक तो आ जाएगा अपना वो कैपिटल कॉस्ट आई पुट दैट अंडर वन ठीक है फिर उसके बाद अभी तुम लोग मेरे को जरा वो बताना वन टू के थ्री मेरे को बोलो सैलरी टू कलेक्शन पर्सनल वेट सुपरवाइजर सिक्योरिटी पर्सन एंड टोल बूथ मैनेजर मेरे को बोलो ये वाले कॉस्ट जो हैं तो ये किधर आ जाएंगे ये ऑपरेटिंग कॉस्ट जो चलाने वालाने का ठीक है उसके बाद मेरे ख्याल से तो इलेक्ट्रिसिटी भी उधर ही आ जाएगा टेलीफोन भी इधर ही आ जाएगा मेंटेनेंस कॉस्ट का अलग से एक हेड है तो ये वाली चीज जो है वो वहां पर आ जाएगी सो इज दैट ओके वी विल ट्राई टू क्लासिफाई द अंडर दिस पर्टिकुलर हेड ओनली ठीक है और ना उन लोगों ने क्या लिखा हुआ था टोल ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2023 आर इज अंडर तो मैं ना सब कुछ फिर एक मंथ के लिए निकालता हूं दैट विल बी बेटर फॉर अस ठीक है तो लिखो जरा प्लीज ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट फॉर अप्रैल 2023 तो स्टार्ट कर लेते हैं तो नेक्स्ट साइन पे लिखो जरा प्लीज फर्स्ट कैपिटल कॉस्ट कैपिटल कॉस्ट जो यहां पर है इट इज सिक्स हंड्रेड करोर्स ठीक है दैट वाज आर कॉस्ट ड्यूरिंग टेन ईयर पीरियड तो ये ना अपने को अमोरिटाइज करना पड़ेगा ओवर टेन ईयर पीरियड ठीक है सो देयरफॉर इन दिस पर्टिकुलर केस कैपिटल कॉस्ट अभी उसको मैं अंडरलाइन क्यों किया वो मेरे को नहीं मालूम बिल्ड राइट डाउन तो डायरेक्टली होनी एक्चुअली तो कैपिटल कॉस्ट एक सेकेंड रुको 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 अभी अंडरलाइन कर ही दिया तो ठीक है यार यू ऑल राइट डाउन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट दिस इज कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अच्छा सुनो ये जो तुम्हारा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है ना दिस इज सिक्स हंड्रेड करोर हम लोग एक महीने के लिए बना रहे हैं ये वाला खर्चा तो दस साल के अंदर रिकवर करना है तो सबसे पहले डिवाइड बाय टेन कर दूंगा तो दिस विल गिव यू अमोरटाइजेशन पर इन टू वन बाई ट्वेल्व करना पड़ेगा बी केयरफुल ऑफ जीरो की वजह से तो पोपट होगा तो सिक्सटी करोड़ डिवाइडेड बाई ट्वेल्व तो आंसर कितना आ जाएगा फाइव करोड़ चलो कौन बनेगा करोड़पति हर एक बंदे ने देखा हुआ है चलो आगे आई थिंक दिस इज द ओनली कॉस्ट यार जो कैपिटल कॉस्ट है ठीक है तो ये वाला काम हो गया रोमा नंबर वन सेकेंड सेकेंड का वहां पर हेडिंग क्या था आई वॉन्ट टू बी यूजिंग द सेम टर्म्स सेकेंड क्या था ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस okay, तो फिर एग्जैक्टली exactly वही वाला वर्ड यूज करते हैं यहां पे देखिए ऑपरेटिंग अच्छा सैलरी टू कलेक्शन पर्सनल जो लोग टोल वगैरह वो वसूल करते हैं सैलरी टू कलेक्शन पर्सनल अच्छा सुनो मैं ये वाला एक काम करूंगा बाकी जो तीन काम है वो तुम लोग करना देखो कलेक्शन पर्सनल तीन शिफ्ट के अंदर लोग काम करते हैं और हर शिफ्ट में कितने लोग काम करते हैं चार ठीक है तो थ्री शिफ्ट इन चार तो हम लोग दिन का बारह लोगों को पगार देते हैं इज दिस थिंग ओके वी गिव मनी एवरी डे टू कितना पीपल्व पीपल देर आर थ्री पीपल हु वर्क फॉर टू shifts ठीक है तो देर आर ट्वेल्व पीपल एवरी डे वी आर सपोज टू बी पेइंग कितना रुपीजन एंड आई थिंक वी आर ट्राइंग टू डू द थिंग्स फॉर एप्रिल तो इन टू यहां पर कितना डेज आ जाएगा थर्टी डेज so दिस विल बी be 12 into 150 into 30 ये आ जाएगा 54,000 आप लोग नेक्स्ट तीन चीजें वन टू थ्री कंप्लीट करो और ये दोनों तो डायरेक्टली कॉपी पेस्ट ही कर लेना उसकी आपको कोई कैलकुलेशन की भी कोई जरूरत नहीं वो वाला डेटा तो अप्रैल का ही होगा ऊपर लिखा हुआ है तो ये पांच चीजें प्लीज खत्म करो और टोटल मारना मेरे को ये बताओ कि ये टोटल जो है तो ये कितना आता है बेटा टू लैख फोर्टी थाउजेंड ठीक है चलो रोमा नंबर टू उसके बाद इन दिस केस दिस इज मेंटेनेंस कॉस्ट ये जो मेंटेनेंस कॉस्ट है ये डायरेक्टली अपने को दिया ही हुआ है बेटा मेंटेनेंस कॉस्ट अभी मैं अंडरलाइन भी उसको क्या करूं मेरे को समझ में नहीं आता तो आई राइट डाउन ओवर हियर तो वंस मोर द सेम सेंटेंस ओनली मेंटेनेंस कॉस्ट थैंक यू तो दिस इज 30 लाख रोमन नंबर थ्री बस वंस दिस पर्टिकुलर थिंग इज डन अपने को यहां पर टोटल कॉस्ट मिल जाएगा दैट विल बी वन प्लस टू प्लस थ्री फाइव थर्टी टू फोर्टी थाउजेंड फाइव थर्टी टू लाख ठीक है चलो सुनो अब ये बहुत इजी पार्ट जो है वो बच गया है ठीक है ये इजी पार्ट जो है बेटा ये क्या है आ, ये जो इजी पार्ट है ये क्या है ये क्या है ये क्या है लिसन टू मी कैलकुलेट कॉस्ट पर किलोमीटर अपने को कॉस्ट तो मिल गया यहां पे डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ किलोमीटर्स मेरे को बोलो वो जो टोल है पूरा का पूरा कितने किलोमीटर्स लंबा था ये सिक्सटी किलोमीटर तो बस अपने को यहां पे डिवाइडेड बाय सिक्सटी कर देना फाइव थर्टी टू फोर्टी डिवाइडेड बाय सिक्सटी दिस इज कॉस्ट पर किलोमीटर ये आ गया एट एट सेवन थ्री 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 ठीक है ये हो गया तुम्हारा एक काम अच्छा ये सारा का सारा तुम्हारा पार्ट फर्स्ट ऑफ द क्वेश्चन था ये तुम्हारा पार्ट फर्स्ट था जहां पर वो टाइटल दिया था वहां पे लिख देना पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड के अंदर क्या पूछा है कैलकुलेट द टोल रेट पर व्हीकल अज्यूमिंग दैट देर इज ओनली वन टाइप ऑफ वहीकल कैलकुलेट द टोल रेट पर व्हीकल तो अपने को टोल रेट मतलब कितना हम लोग कलेक्ट करेंगे जब कलेक्ट करेंगे तो प्रॉफिट भी तो चार्ज करेंगे ना यार तो यहां पे प्रॉफिट का दिया हुआ है देखो द कंपनी नीड्स ट्वेंटी फाइव परसेंट ओवर टोटल कॉस्ट टू कवर अप फॉर इंटरेस्ट कंपनी नीड्स ट्वेंटी फाइव परसेंट का प्रॉफिट ओवर टोटल कॉस्ट टू कवर अप फॉर इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट तो ट्वेंटी फाइव परसेंट के ना सब आ जाएगा वो प्रॉफिट वगैरह सब आ जाएगा ठीक है तो यहां पे जरा लिख के रखना कैलकुलेशन ऑफ टोटल रेवेन्यू पर मंथ ही करते हैं <coughs> यहां पे टोटल कॉस्ट था अपने पास फाइव थर्टी टू लैख फोर्टी थाउजेंड फाइव थर्टी टू फाइव थर्टी टू फोर्टी थाउजेंड था ना हां हाँ। सुनो एड प्रॉफिट प्रॉफिट के लिए यहां पर क्या लिखा हुआ है ट्वेंटी फाइव परसेंट ओवर टोटल कॉस्ट तो कॉस्ट का ही ट्वेंटी फाइव परसेंट वो मार लेना फाइव थर्टी टू लैख फोर्टी थाउजेंड इन टू ट्वेंटी फाइव परसेंट वन थर्टी थ्री टेन एड इट अप। जीरो जीरो ठीक है तो दिस इज रेवेन्यू बस लास्ट थिंग अभी दिस इज रेवेन्यू पर मंथ नो लोगों ने क्या बोला कि ना आप लोग टोल रेट पर व्हीकल फिक्स करो तो इतना अपने को सारे के सारे व्हीकल से चार्ज करने का है ठीक है तो ऑब्वियसली आई शुड डिवाइड बाय मेरे को पहले वर्ड्स बोलो कर, करो नहीं मेरे को वर्ड्स बोलो मेरे को किस चीज से डिवाइड करना चाहिए नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग पर मंथ नो ऑब्वियसली ठीक है दिस विल गिव यू टोल रेट पर व्हीकल दिस विल गिव यू टोल रेट पर वेहीकल सुनो so, ये जो टोल रेट पर व्हीकल है ना इधर अभी उसके लिए मेरे को नंबर ऑफ व्हीकल्स चाहिए ऑब्वियसली 60 करोड़ नहीं आएगा बेटा ये वाला लाइन पढ़ना बराबर से एंड इट इज एस्टिमेटेड सिक्सटी करोड़ पासिंग ड्यूरिंग टेन ईयर पीरियड तो फिफ्टी लैक्स आएगा कैसे एक से अभी मैंने यहां पर जगह ही नहीं छोड़ा तो एक, एक यू पुट ओवर हियर? सिक्सटी करोड़ व्हीकल्स ड्यूरिंग टेन ईयर पीरियड बट आई थिंक वी वॉन्ट फॉर वन मंथ सो डिवाइडेड बाई ट्वेल्व फिफ्टी लैक्स थर्टीन चलो सुनो तुम्हारा ये वाला जो चीज है दिस इज ऑल टुगेदर डन तुम्हारा जो चैप्टर वगैरह है वो हो चुका है तो पूरा का पूरा बीच में मैंने कई क्वेश्चन बैंक्स वगैरह के भी डाले विच आर रिलेटिवली क्वाइट सिंपल तो वो वाले क्वेश्चन जितनी जल्दी हो खत्म कर दोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा ओके सो आ, ये वाला जो चैप्टर है वो हो गया है